नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल दर्शन ऑल इंडिया में। तो आप जब मूवी डाउनलोड करते हैं, चाहे हम भी डाउनलोड करते हैं, तो बहुत सारी मूवी के जो फॉर्मेट होता है उसमें आवाजें नहीं होता है। आप मूवी चलाएंगे, अच्छे क्वालिटी में वीडियो चलेगी, लेकिन आवाज उसमें नहीं आएगी। तो लास्टली हम क्या करते हैं, सेटिंग इधर उधर देखते हैं, फिर उसके बाद मूवी को डिलीट कर देते हैं, जिससे हमारा एम भी खराब हो जाता है और हमको ये लगता है कि मूवी में आवाज नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक कोड होता है जिसकी वजह से ये नहीं होता है। हर कोडिंग का एक फॉर्मेट होता है, उसके वजह से आवाज नहीं आता है। तो आज एक सेटिंग के द्वारा कहाँ पे इसको कैसे सेटिंग होता है पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आप सेट करके अपने वीडियो में आवाज ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, यदि आप आधा देखते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसकी मैं फुल गारंटी देता हूँ। तो पूरा वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और बीच यदि आपको बीच में छोड़ के जाना है तो अभी भी चले जाइए, क्योंकि आपका भी टाइम बच जाएगा और मेरा वीडियो खराब होने से बच जाएगा। और ये प्रॉब्लम को सोल्व आप चाहते हैं तो पूरा 100% आपको सोल्व मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सोल्यूशन पक्का मिलेगा। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आपके अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताते। तो फाइनली हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और स्क्रीन पे आने के बाद हमको गूगल पे आना है, और गूगल पे आने के बाद हमको सर्च करना है AIOJIP, राइट। AIOJIP जब सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, तीन चार। हमको ये सेकेंड वाला हमको क्या करना है, डाउनलोड ओपन करना है, राइट। इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमको नीचे जाना है, स्क्रॉल करके नीचे इस तरह से जाना है, इस तरह से नीचे हमको चले जाना है। अब खोजना है, इस तरह से आ गया जो सेकेंड वाला हमको दिख रहा है, MXAIOGIP, उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है इसको। MXAIOGIP इस पर क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है वो चलिए मैं बता रहा हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ये खुद ही डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड करने के बाद हमको क्या करना है, ये देखिए डाउनलोड हो गया है। अब हमको जाना है MX Player में, राइट। अब हमको आना है MX Player में, और MX Player में आने के बाद इस थ्री डॉट पे हमको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद हमको क्लिक करना है सेटिंग पर। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हमको जाना है डिकोडर में, ये रहा डिकोडर। डिकोडर में जाने के बाद हमको जाना है, सबसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है, और सबसे नीचे एक होगा आपको मिलेगा कस्टम कोडेड, आपको इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इसको आपको क्लिक करने के बाद आप क्या करना है, आपको फोल्डर में आना है, ताकि आप देख सकें कि जो आप डाउनलोड किए हैं वो फोल्डर में गया होगा। तो हमें फोल्डर में जाना है और देखना है कि डाउनलोडेड फाइल कहाँ है। तब हमको डाउनलोडेड खोजना है, डाउनलोडेड फाइल, ताकि उसमें AIOGIP उसी में होगा, राइट। तो चलिए हम देखते हैं डाउनलोडेड फाइल, डाउनलोडेड फाइल, डाउनलोडेड डाउन, ये रहा डाउनलोड। इसको हमको क्लिक करना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अब हमें खोज करना है MXAIOGIP, इस पर मिल गया हमके हमारे हमको MXAIOGIP। इसको हमको क्लिक करना है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। री स्टार्ट ऐप टू रीलोड डॉकेट बोल रहा है, राइट। री स्टार्टिंग ऐप टू रीलोड कोडेड बोल रहा है, तो हमको इस पर ओके कर देना है। इस तरह से हमारा हो गया। अब किसी भी वीडियो में जो आवाज़ है वो आ जाएगा, चाहे वो मूवी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपका प्रॉब्लम जो होगा इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो गया होगा। यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर भी शेयर करना है वो शेयर कीजिए। इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा वीडियो लेकर।